दधी कांदो मेले में मस्ती और धूम धड़ाका। पर वो कहानी जानते हैं आप। प्रयागराज का दधी कांदो मेला आज़ादी के पहले से मनाया जा रहा है। इस साल आकर्षक और शानदार मेला लगा है। यहाँ गुब्बारे हैं, मिठाइयाँ, रोशनी से नहाई गलियाँ हैं और खूबसूरत झांकियों के क्या कहने। एक बार आएंगे तो जाने का मन नहीं करेगा। रात ऐसी कटती है जैसे सेकंड की सुई। पर कम लोगों को इसकी कहानी पता होगी, जो काफी पुरानी है, आज़ादी मिलने से भी पहले की वो दास्तां। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के पंकज कुमार पांडे ने बताया कि आज़ादी से पहले देश के क्रांतिकारियों को मिलने का मेले में बेहतर मौका मिलता था, जहां वे आसानी से अपनी आगे की रणनीति बनाते थे। उन्हीं की याद में इस प्रथा को आज तक जिंदा रखा गया है। देखिए, एक दधिकांदो मेला बहुत आज से 65 साल 70 साल पहले से मनाया जा रहा है, बीच में बंद हो गया था। इस मेले का मनाने का एक मेन उद्देश्य यह है कि पहले के समय में जो क्रांतिकारी हमारे भाई थे, उनको आपस में बात करने का एक साधन नहीं था। दधिकांदो एक उनको बहुत अच्छा साधन समझ में आया और इसके ज़रिए वो अपनी क्रांतिकारी आगे की रणनीति तय करते थे। इसके उपलक्ष्य में दधिकांदो मेला का शुभारंभ किया गया था। मेले में खूबसूरत झांकियां निकलती हैं और उन बेहतर झांकियों को पुरस्कार भी दिया जाता है। यहाँ पे कई तरीके की झांकियां निकलती हैं और उन झांकियों को, जो झांकी अच्छी होती है, उनको हमारी कमेटी द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, जिसका सब पूरा संचालन हमारे प्रभारी सर जी के पास रहता है। और इस बार बड़ा शांतिपूर्व दधिकांदो हर जगह का निपटा है। हम प्रशासन से और अपने कमेटी के लोगों से, सभी लोगों का सहयोग लेकर शांतिपूर्ण ढंग से इस दधिकांदो का समापन करेंगे। बताते हैं कि दधिकांदो मेले की शुरुआत 1890 में तीर्थ पुरोहित राम कैलाश पाठक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विजय चंद्र, सुमित्रा देवी द्वारा की गई थी। इसका मकसद जनमानस को आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरित कर उनके अंदर से अंग्रेजों का डर खत्म करना था। उचित संसाधन के अभाव में तब मशाल व लालटेन की रोशनी में श्री कृष्ण बलदाव की सवारी निकाली जाती थी। तब वो किसी भक्त के कंधे पर बैठकर निकलते थे। भक्त बारी बारी से श्री कृष्ण और बलदाव को अपने कंधे पर बैठाकर चलते थे। पीछे जयकारा लगाते हुए भक्तों का कारवा होता था। दधिकांदो का अर्थ है दही क्रीड़ा, जो जन्माष्टमी के बाद श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित होता है। अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में लोगों ने आज़ादी की लड़ाई के प्रति प्रेरित करने के लिए इसकी शुरुआत की थी। गौर करने वाली बात यह है कि शहर के सिर्फ कैंट क्षेत्र में आने वाले मोहल्ले सलोरी, तेलियरगंज, सुलेमसराय व कीड़गंज में ही दधिकांदो मेला होता है, क्योंकि इन इलाकों में अंग्रेजों का पूरी तरह से कब्जा था। 1922 और 1927 में अंग्रेजों ने दधिकांदो मेले पर पाबंदी लगाई थी, पर लोग नहीं माने और उन्होंने मेले की परंपरा को जारी रखा।